हेलो नमस्ते हाउ आर यू ऑल टुडे जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों के लिए थ्री फोर्थ फेस वाला ग्रूम बनाऊंगी तो आज का हमारा वीडियो थ्री फोर्थ फेस वाला ग्रूम ही है थ्री फोर्थ फेस की ब्राइड हम लेफ्ट साइड फेसिंग की जो होती है वो ड्रॉ करते हैं तो इसीलिए ग्रूम हमारा राइट साइड फेसिंग होगा अब जो हमारे मेजरमेंट्स है रूल्स हैं हम एग्जैक्टली exactly वही फॉलो करेंगे जो हमने फ्रंट साइड की ब्राइड में फॉलो किए थे जो हमारा वन थर्ड और वन सिक्स का रूल था वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको समझ में आ गया है कि मैंने ये शेप किस तरह से ड्रॉ किया है रेफरेंस uh, लाइन है इतनी डार्क हम ड्रॉ नहीं करते लेकिन आप लोग अच्छे से देख पाओ इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ ठीक है हमारा जब फ्रंट फेस होता है तो उसमें हमारी लाइन सेंटर में आती है लेकिन जब हमारा थ्री फोर्थ फेस होता है और मैंने जैसे कहा हमारा ग्रूम राइट साइड फेसिंग है तो हमारी जो लाइन है सेंटर की वो कुछ इस तरह आएगी अब जो ये लाइन है उस पर घोर कीजिएगा ऊपर से थोड़ी सी कव होकर चल रही है जो हमारा सर्कल का कव है उसको फॉलो कर रही है फिर वो इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी अब ये लाइन जितनी इस तरफ जाएगी चेहरा हमारा उतना इस तरफ मुड़ा आएगा जितनी वो राइट साइड पे जाएगी ये लाइन उतना चेहरा राइट साइड पे मुड़ाएगा और अगर वो ही लाइन लेफ्ट साइड पे इस तरह घूमेगी तो चेहरा लेफ्ट साइड को फेसिंग आएगा ध्यान रखेगा इस बात को हम थोड़ा सा उसको इस लाइन को और इस तरह ले जाते हैं ये फेसबुक का हमारा जो एप होता है उस तरह की लाइन होती है ठीक है आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि कौ कैसे लेना है इस लाइन का ठीक है चलेगा और फिर हमारा जो वन थर्ड का रूल है वो हम फॉलो करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा क्योंकि हमें साइड से लाइन लेनी है ओके और फिर हमारा और एक डिवीज़न ऊपर तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो पगड़ी वगैरह का भाग आएगा हमारे लिए आईब्रो आईज नोज और लिप्स वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है अब हमारी आईब्रो की लाइन यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक क्रॉस इस तरह से लाइन देंगे देख रहा है आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको और डार्क कर देती हूँ ओके अब ये जो लाइन है हमारी क्रॉस वो एग्जैक्ट इस नोज़ के पॉइंट को टच नहीं कर रही है लेकिन थोड़ा सा उससे दूर है ओके okay? फिर हमारी आईब्रो आएगी इस तरह से फिर हम एक नोज़ की लाइन थोड़ी सी स्लांट में इस तरह से लेंगे अब हमारा जो नोज़ है ना वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि जब हम मुड़ते हैं तो उसका पॉइंट होता है ना वो थोड़ा सा नीचे जाता है इसलिए थोड़ा सा नीचे हम इस तरह से लेंगे नोज को बहुत ज्यादा मत लेना थोड़ा सा उसको इस तरह से हम नोज देंगे अब ये पार्ट नहीं ड्रॉ करना है तो छोड़ दो सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि कई बार आप नहीं हैंडल कर पाते तो ये बहुत ही अगली लगता है फिर हमारा लिप्स यहाँ पे आएगा तो ध्यान रखिए कि थ्री फोर्थ फेस में जो भी चीज़ या इस साइड पे स्मॉल साइड जो है हमारी वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वो थोड़ी सी छोटी आएगी इस साइड के कंपैरिजन से ओके तो जैसे हमारी ये आईब्रो है हमने ये जो क्रॉस लाइन ली थी उसी क्रॉस लाइन से यहाँ पे यहाँ से हम एक दूसरी इस तरह से लाइन लेंगे और फिर हमारी एक आईब्रो आएगी ओके okay? ये सिर्फ हमने मेजरमेंट के लिए किया था अब हमारी आंखें मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस होती है तो अगर ये आंख यहां पे इतनी है उतनी जगह यहां पे छोड़ दो लेकिन ये जो हमारी आंख है थोड़ी सी छोटी आएगी इस साइड की आंख से क्यों क्योंकि हमारा फेस मुड़ा हुआ होता है तो कुछ कम पार्ट दिखता है हमारा आंख का फिर इसी तरह हमारी दूसरी आंख और दुल्हा साइड को देख रहा है इसलिए हमारा जो आई बॉल है वो साइड में है ओके क्योंकि दुल्हन हमारी इस तरफ है इसलिए दुल्हे की आंखें साइड में है अब हमारे लिप्स लिप्स पे भी गौर कीजिएगा कि इस इस साइड का जो लिप्स है ना वो थोड़ा सा कम आएगा ठीक है ये तो अभी लड़का है या लड़की ये कहना मुश्किल है इसीलिए हमें तीज़ तीज़ जब भी हम आ, मेल फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो इतनी सॉफ्ट लाइन नहीं देते जैसे आईब्रो भी है तो हम आईब्रो को इतना सॉफ्ट नहीं बनाते थोड़ा सा बुशी बनाते हैं इतना कवि भी नहीं बनाते थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड यानि ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्ड लाइन लेते हैं कवि लाइन कम ही लेते हैं तो इसकी आईब्रो भी थोड़ी इस तरह से बुशी बन जाएगी उनकी जॉ लाइन वगैरह भी होती है ना आदमी लोगों की थोड़ी स्ट्रेट वगैरह होती है तो आंख में भी थोड़ा सा वही करेंगे इतना कव नहीं देंगे थोड़े से इस तरह से स्ट्रेट लाइन का उपयोग करेंगे और प्लीज उनको आई देने की <laughs> कोशिश मत करना वरना तो वो चोमू ही दिखेगा ठीक है और लिप्स भी थोड़े से ऐसे स्ट्रेट वाले अब हम उसका फेस कर देंगे ओके मैंने एक लाइन यहाँ से ली और ये इस लाइन को फॉलो किया अब उसका जो मैं फेस ले रही हूँ मैं पहले इसको इरेज कर दूँ तो आप अच्छे से देख पाओगे कि मैं क्या एक्जैक्टली कर रही हूँ मैं यहाँ पे राउंड नहीं लूंगी जैसे मैंने कहा मैं स्ट्रेट लाइन लूँगी स्ट्रेट लाइन फिर यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन फिर स्ट्रेट लाइन मैं इस तरह से सॉफ्ट लाइन नहीं ले रही हूं मैं ले रही हूं स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेट लाइंस उसका फेस बनाने के लिए इस तरह से ऐसी लाइन ले रही हूं उनकी जॉ लाइन भी ऐसे ही आएगी ठीक है अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से ईयर बना देती हूँ कान बना देती हूँ क्यों क्योंकि हमें इसको पहनानी है पगड़ी में ये रेफरेंस लाइन क्लीन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ ठीक है उसके कान से ये जॉ लाइन आएगी देखो कैसी स्ट्रेट लाइन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कान मैंने इतना ही ड्रॉ किया है क्योंकि हम उसको हमारे दुल्हे को पगड़ी बनाए पहनाएंगे जो यहाँ से होती हुई यहाँ तक जाएगी ठीक है फिर यहाँ से होती हुई यहाँ तक जाएगी अब आ रहा है ना थोड़ा मस्क्यूलाइन फेस उसका लिप्स में भी आप इस तरह से थोड़ी सी लाइन करोगे तो वो भी थोड़े से मस्क्यूलाइन लगेंगे अब यहाँ पे आप कोई भी ज्वेलरी पहना दो उसको और उसकी नेक लाइन दे दो नेक लाइन हमारी थोड़ी सी कान के पीछे जाएगी नेक लाइन दे दी फिर ये फ्रंट नेक लाइन दे दी ओके और यहाँ पे थोड़े से उसके बाल भी आ सकते हैं अब उसकी पगड़ी जो ये राउंड है ना उसको ध्यान में रखना पगड़ी पहनाते वक्त क्योंकि उससे आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा पगड़ी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए पगड़ी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए फिर ये लाइन देखो मेरी राउंड मेरा राउंड यहाँ पे है तो ऐसा समझ लीजिए कि उनका स्कल है उनके बाल वगैरह यहाँ तक है तो पगड़ी थोड़ी उससे बाहर जाएगी हो गई पगड़ी हमारी परफेक्ट फिट अब इसको मुच्छी वुच्छी कुछ लगानी है तो आप इस तरह से उसकी मुच्छी बना सकते हैं मुच्छी के लिए मुस्टैच के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्चुअली में कोई रेफरेंस फोटो हो आपके पास किसी का जिसकी मुझे हो उसको फॉलो कीजिएगा उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा वरना गड़बड़ हो सकती है अभी मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं रेफरेंस फ़ोटो के बग़ैर ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है ये क्योंकि एक बार हुआ था मेरे साथ तो किसी की भी आपके पास रेफरेंस फोटो हो या तो ऑनलाइन से निकालिए और उसमें जिस तरह से बियर्ड है उसको फॉलो कीजिए या तो जो दुल्हा है जिसकी मेहंदी आप लगा रहे हो ब्राइड की तो उसके दुल्हे की अगर बियर्ड है दाढ़ी है तो उसको फॉलो कीजिए तो थोड़ा सा रिसम्बलेंस आ जाएगा रेसम्बलेंस माने थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाएगी ठीक है वरना ये हो गया कि जिस जिस दुल्हन के आप मेहंदी लगा रहे हो उस दुल्हे की दाढ़ी है ही नहीं या तो कुछ अलग तरह की दाढ़ी है और आपने कुछ अलग तरह की दाढ़ी बना दी तो और कोई और बन गया ये भी हो सकता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप हाँ अब हम इसको थोड़े से कपड़े पहना देते हैं क्योंकि देखिए उसके कपड़े जो पहने ना उसके बटन लाइन यहाँ पे आएंगे अब थोड़े से हम दर्जी बन जाते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कपड़े की करते हैं तो उसकी बटन लाइन है बटन लाइन आपको पता ही होगा क्या होती है तो वो यहाँ पे आएगी थोड़ी इस साइड पे क्योंकि दूल्हा थोड़ा मुड़ा हुआ है फिर उसकी कॉलर लाइन हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा कॉलर को बड़ा करते हैं इस तरह से कपड़े में भी हो सके ना तो आप थोड़ा सा आ, आ, रेफरेंस फ़ोटो को फॉलो कर दीजिएगा फिर उसकी जैकेट का शोल्डर लाइन इस तरह से आएगा अगर उसके हाथ इस तरह से जाएंगे, ये बहुत बड़ा लग रहा है इस साइड पे क्योंकि यहाँ पे उसके बाजू आएंगे ठीक है मुझे ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है देखियो ये इस लाइन में होना चाहिए और मुझे ये नीचे लग रहा है ये गलत है वरना फिर झुका हुआ थोड़ा सा दूल्हा बन जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखनी है अब इस तरह की बाजू भी हम थोड़ी सी इस तरह से ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस बाजू का जो अरे यार ये लाइन मैंने सब ड्रॉ किया ना बीच में आ रही है हाँ, इस साइड का बाजू थोड़ा कम दिख रहा है ओके okay? अब देखो मैं पेंसिल से कर रही हूं तो मैं कुछ इरेज कर सकती हूँ अगर आप कौन से कर रहे हो तो इतना सारा इरेज नहीं कर पाओगे इसीलिए लाइन वर्क को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो मेमोराइज़ करो जब आप कौन से मेहंदी के कौन से ड्रॉ कर रहे हो तो वो लाइन परफेक्ट जानी चाहिए ठीक है अब यहाँ तक हमारा दुल्हा कंप्लीट है और एक्चुअली आप देखो तो थ्री फोर फेज का दुल्हा हमारा बन के तैयार है बटन लाइन है तो बटन दे दो कुछ एम्ब्रॉयडरी दे दो अब चलिए हम इसी को मेहंदी में ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या बनता है अब जिस तरह से मैंने पेंसिल से पूरा ड्रॉ किया है उसी तरह से मैं मेहंदी से ड्रा करूंगी इसको लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि अब मुझे इनफ प्रैक्टिस है कि मुझे रेफरेंस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए मैं मेहंदी से जब ड्रॉ करूंगी तो मैं रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि वो फाइनल जो हमारा ड्राइंग बन के आता है उसमें थोड़ा सा अफेक्ट करता है और मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन जिस तरह से मैं अपने पॉइंट्स रख रही हूँ पूरे ड्राइंग में आप उसको गौर से वॉच कीजिएगा कि रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन मैंने कुछ की पॉइंट्स डाले हैं जैसे कि नोज़ की एक लाइन है क्रॉस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो मैंने डाला है और वहीं से मैंने पूरे अपने ड्राॅइंग की शुरुआत की है मैंने सारी ड्राॅइंग फीचर्स वगैरह पहले लाइट लाइन से बनाई है और जिस तरह से मैं लाइन वर्क कर रही हूँ किस जगह पे कौन सी लाइन पहले डाल रही हूँ वो आप ध्यान से देखेगा ये पूरा जो मैं मेहंदी से बना रही हूँ उस पोर्शन को आप बार बार ध्यान से देखेगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ मैंने उनकी पगड़ी भी जब बनाई तो मैंने पहले पूरा उनका जो डिटेल डिजाइनिंग वर्क था वो फेंट लाइन से कर दिया मैंने पगड़ी को बिल्कुल भी डार्क लाइन पहले नहीं दी कपड़े में भी मैंने वही किया कि मैंने पहले पूरा उनका एम्ब्रॉयडरी वर्क वग़ैरह जो है वो फेंट लाइन से दे दिया उनकी धाड़ी में भी मैंने पहले एक हल्का सा लाइट शेडिंग वाला पोर्शन कर दिया इस पूरे ड्राइंग में मैंने जिस तरह से शेडिंग का इस्तेमाल किया है उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा पगड़ी में भी मैंने कुछ कुछ जगह पे शेडिंग दिया है किस तरह से मैंने उसको शेड किया और फिर दाढ़ी में मैंने दो लेयर में शेडिंग किया कि पहले लाइट फिर कुछ कुछ जगह पे मैंने देखिए डार्क कर दिया ताकि वो हमें हाईलाइट और शेडो का इफेक्ट दे कपड़ों में भी आप लोगों को लगेगा कि ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया है जी नहीं यहाँ पे मैंने हल्का सा आ, लाइट वर्क दिया है ताकि हमें ये जो डार्क पोर्शन मिले और ये लाइट पोर्शन तो शेडो और लाइट का हाईलाइट का थोड़ा सा इफेक्ट हमें मिल जाए फिर कपड़ों में भी देखो हमने एम्ब्रॉयडरी में रफ लाइन वर्क किया है ये जो मैंने पूरा किया है मैंने बहुत ही रैंडम वर्क किया है लेकिन एक एम्ब्रॉयडरी की तरह वो उठ के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डार्क पोर्शन है यहाँ पे डार्क पोर्शन है और यहाँ पे बहुत ही लाइट पोर्शन है तो जब भी हम फिगर ड्राइंग करते हैं एक्चुअली कोई भी डिज़ाइन हम करते हैं तो ये कुछ डिज़ाइन के रूल होते हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलता है तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ और बहुत कुछ हम सीखेंगे लेकिन इस वीडियो को आप अपना ढेर सारा प्यार दोगे ये मुझे विश्वास है तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन टेक केयर एवरीवन बाय बाय सी यू थैंक यू